और एक भाई की बाइक पंक्चर हो गई। एक्चुअली आप बोल सकते हो दिस इज काइंड ऑफ मार्केटिंग टू कम फॉर IBW। ये जो इतना ऊंचा लड़का दिख रहा है ना, ही इज ओनली 19 इयर्स ओल्ड। बस वहाँ पे दो लोग गिर गए, आई डोंट नो, बहुत क्राउडेड हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि सुपर बाइक की आवाज़ सुन के ना यार ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ। हमारा लाइनअप देखो यार, ग्रीन कलर के वेस्ट में राइडर्स ही राइडर्स। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतने सारे राइडर्स है ना कि इनके पास पार्किंग कम पड़ेगी इतने सारे बाइक्स यहाँ पे लगाने के लिए। गुड मॉर्निंग गाइज, दिस इज विनय, वेलकम बैक टू माई चैनल कैट इज राइड विद अनदर वीडियो। सो गाइज, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 7:07। बाय द वे गाइज, मैं जा रहा हूँ IBW के चाय पकौड़ा ब्रेकफास्ट राइड पे। यार आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस राइड। तो मैंने इसका रजिस्ट्रेशन किया था 30 अक्टूबर को एंड टुडे इज 5th of November। यहाँ से जा रहा हूँ मैं वाकड़ में। वाकड़ में हमें 2 से 3 राइडर्स और मिलेंगे और उसके बाद हम जाएंगे मीटिंग पॉइंट पे IBW के, जो है क्रैंकेट कैफे। और सबसे बढ़िया बात इस राइड की ये है ना कि आज हमें बहुत सारे राइडर्स देखने को मिल जाएंगे गाइज। अराउंड 150-200 राइडर्स हमें देखने को मिल जाएंगे, पता नहीं या फिर उससे भी ज़्यादा, बिकॉज ये जो राइड ऑर्गेनाइज हुई है वो हुई है पुणे एज वेल एज मुंबई के राइडर्स के लिए। और हम लोग जा कहाँ रहे गाइज, हम लोग जा रहे हैं शीतल दा ढाबा में। सो इट्स गोना बी फन एंड आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो। यार बहुत मज़ा आने वाला है, तो चलो चलते हैं वाकड़ ब्रिज पे। यहाँ पे 3 राइडर्स मुझे मिलने वाले थे, पीयूष, आचिन और एक है अपने विक्रम भाई। विक्रम भाई से मैं कभी मिला नहीं हूँ, पीयूष और आचिन से मैंने ऑलरेडी राइड की हुई है। तो तीनों भी आ गए, अभी निकल रहे क्रैंकेट कैफे के लिए। फाइनली रीच्ड एट क्रैंकेट कैफे। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि यहाँ पे इतने सारे राइडर्स है ना कि इनके पास पार्किंग कम पड़ेगी इतने सारे बाइक्स यहाँ पे लगाने के लिए। वैसे मेरी बाइक यहाँ पे खड़ी है। ऋतुराज, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, से हाय टू माय व्लॉग। आज पापा को बोल के आया। हाँ, वरना लास्ट वाले व्लॉग में मार खाया होता। एंड वी हैव पीयूष, पीयूष से हाय टू माय व्लॉग। वी ऑल्सो हैव आचिन, आचिन भाई से हाय टू माय व्लॉग। आपका नाम क्या है? विक्रम, विक्रम। अच्छा अच्छा, विनय। रजिस्ट्रेशन फॉर्म सबमिट हो चुका है और हमें मिला ये क्या बोलते भाई इसको, वरिष्ठ बैंड भाई। यहाँ पे किचन भी है और एक स्टिकर भी है और ये है इसको वेस्ट बोल सकते हैं। तो ये मुझे लास्ट ईयर भी मिला था, तो चलो इसको पहन के मैं आपको दिखाता हूँ कि आपका भाई दिखता कैसा है। एक्चुअली नीचे इतना ज़्यादा रश है ना, तो मैंने सोचा कि हाईवे पे आके व्लॉग बनाऊं। और यार पता नहीं मेरी आवाज़ आपको आ रही है नहीं, बिकॉज मैं सीधा हाईवे के बाजू में खड़ा हूँ, व्लॉग कर रहा हूँ। नीचे वाला नज़ारा देखो यार, कितने सारे राइडर्स हैं भाई। फिलहाल टाइम हो रहा है गाइज 8:18 और 10 मिनट में हम निकल जाएंगे। हमारा लाइनअप देखो यार, ग्रीन कलर के वेस्ट में राइडर्स ही राइडर्स। लास्ट ईयर जब मैं इसी राइड पे गया था उस टाइम पे भी सेम वेस्ट था, लेकिन इनका जो स्पॉन्सर होता है ना वो डिफरेंट था। तो ये जो ब्रेकफास्ट होता है ये बिल्कुल फ्री होता है सारे राइडर्स के लिए। अच्छा लगता है यार ये देख के कि जो बाइकिंग कम्युनिटी है वो ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो हो रही है। मतलब लास्ट ईयर इतने सारे राइडर्स नहीं थे, लेकिन इस साल बहुत ज़्यादा राइडर्स है। होपफुली नेक्स्ट ईयर इससे भी ज़्यादा राइडर्स होंगे। जैसे हमारे राइडिंग ग्रुप के जितने भी मेंबर्स इस वाले राइड पे ज्वाइन हुए ना, हमने प्लानिंग करी है जहाँ पे हम लोग अभी जा रहे हैं शीतल दा ढाबा में, उसके आगे लोनावला तक हम जाए। तो ब्रेकफास्ट होने के बाद हम आगे लोनावला के साइड निकल जाएंगे। यहाँ से लेंगे जी हम लेफ्ट, और ये काफ़ी बड़ा लेफ्ट होने वाला है। बड़ा इन द सेंस हमारी जो लाइनअप है बहुत बड़ी है ना, तो काफ़ी ज़्यादा राइडर्स अब यू टर्न मारेंगे। देखो वाह 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 वाह, सुपर बाइक की आवाज़ सुन के ना यार ऐसा मोटिवेशन मिलता है कि मैं आप लोग को क्या बताऊँ।
तो ये IBW के बैनर्स, फ्लायर्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे लगे हुए हैं। एंड गाइज यार यहाँ पे देखो भीड़ तो देखो, कितनी सारी भीड़ है यार, यहाँ पे गाड़ी लगाने के लिए जगह नहीं है। चलो चलो चलो, तो चलो गाइज यहाँ पे हम लोग लेते हैं एक ब्रेक, ब्रेकफास्ट करेंगे, तब तक आप भी एक यूट्यूब का ब्रेक एंजॉय कर लो। बाकी आचिन भाई कैसे लगे अपनी राइड? राइड बहुत अच्छी थी, बस वहाँ पे दो लोग गिर गए, आई डोंट नो, अच्छा, बहुत क्राउडेड हो गया, इसलिए मैंने सोचा कि इंस्टेड ऑफ हेल्पिंग देम वी शुड मूव अहेड, राइट राइट, वरना फिर और क्राउड हो जाता। फॉर द रेकॉर्ड आई एम डन ट्राइंग टू मेक यू कंफर्टेबल, फॉर द रेकॉर्ड यू आइंट ट्राइंग टू ग्रो देन स्टंप फॉर यू, फॉर द रेकॉर्ड लैब ऑन मी गोइंग ऑल द वे, फॉर द रेकॉर्ड आइंट ट्राइंग लिंक नो टाइम टू वेस्ट। Gentlemen, so sir, something on safety and what has been your best adventure in a minute? I will request to all youngsters, instead of investing on CCs, invest on safety gears. I am the one, the one your son don't need. Well, live life king size, and one of my best adventure has been my Spiti Valley ride, which was very recent last year, and earlier to that the Leh ride. Thank you. Always your helmets very religiously, that's for your safety. Once the head is gone, nothing is left. One simple line, safety first, everything else. All the way, for the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record, 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 for the record. Been a little too nice to y'all. I got a up price for y'all. Snake eyes on dice for y'all. Shoulders on ice for y'all. Frozen. 86 all the hate. I won't get involved today. Got lost in the ballin' age. I'm flipping the bars. I'm flipping the flipping the flipping the on record, off record. I still count wins when they doubt it. On record, off record. I let them take advantage. I was wildin' on record, off record deals. कॉफ़ी फाइनली अपने को मिल चुकी है, और यार वहाँ पे भीड़ देखो, वहाँ पे एक्चुअली बहुत शोर शराबा है ना, उसकी वजह से मैं वहाँ पे प्रॉपरली ब्लॉग नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा दूर आके ब्लॉग कर लूँ। बाकी क्या चल रहा है यार यहाँ पे? रुतराज का है तुझा? तो एक्चुअली वहाँ पे नॉमिनेशंस ले रहे कि कौन फिटेस्ट राइडर है, उसके बाद कौन यंगेस्ट राइडर है। रुतराज कह रहा था कि मैं जाता हूँ, बिकॉज वो बस 19 साल का है भाई। ये जो इतना ऊंचा लड़का दिख रहा है ना, ही इज ओनली 19 इयर्स ओल्ड। भाई तू जायला पाहिजे होते ते फिट मध्ये। अरे नाही, ये प्लैंक चॅलेंज, पण ते प्लैंक चॅलेंज मध्ये माहिती का लाईट वेट असतो ना, मग मारले निकल चुके हैं शीतल ढाबा में से, और बहुत ज़्यादा रश हो गया था यार, लोग फालतू में गाड़ी रेव कर रहे थे, इतना इरिटेट हो रहा था ना, मतलब भाई तुम्हारी गाड़ी कौन सी वो तो देखो पहले, 200 CC 150 CC की गाड़ी के लिए रेव कर रहे। तो वही इवेंट काफ़ी अच्छा रहा, ब्रेकफास्ट हम लोगों ने कर लिया, तो जितने भी हमारे फ्रेंड राइडर्स हैं हम लोग जा रहे हैं अभी लोनावला। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही कहा था कि यहाँ पे इवेंट होने के बाद हम लोग आगे लोनावला भी जाने वाले हैं। तो वी हैव पोटैटो हेड, पीछे मनीषा भी है, उसके पीछे है पीयूष, और उसके पीछे है एलेक्स एंड ऋतुराज ऑल्सो। तो हम लोग जा रहे हैं अभी लोनावला, नहीं जा रहे खंडाला घाट जा रहे, तो वहाँ पे जाके थोड़ा टाइम स्पेंड करेंगे एंड देन बैक टू आवर होम। For the record, ain't trying to link, no time to waste. For the record,
फाइनली पहुंच चुके हैं खंडाला घाट व्यू पॉइंट। और ये देखो व्यू, कुछ इस तरीके का व्यू है यहाँ पे। ये है मुंबई पुणे एक्सप्रेस वे, जहाँ पे बस फोर व्हीलर्स अलाउड है, बाइक्स अलाउड नहीं है। तो हम लोग रुके हैं इस वाले पॉइंट पे। एंड गर्मी बहुत हो रही थी यार, तो हमने सोचा कि कुछ पी लिया जाए। तो ये रहा अपना नींबू पानी, तो नींबू पानी पीने के लिए यहाँ पे रुके हैं और बाकी सब लोग वहाँ पे वेट कर रहे हैं। Piyush, tell us about your ride experience. Today's ride experience? Ride नहीं, event experience. It was good. Crowd बहुत ज़्यादा था. Breakfast was okay. Would have been better. बस वो last वाला बहुत irritating था. हाँ, और IBW के passes बेच रहे थे discount में. ये actually आप बोल सकते हो this is kind of marketing to come for IBW जो गोवा में हो रहा है. Upcoming IBW गोवा 2023. मैं तो जा रहा हूँ. आपको आना है तो आ सकते हो. आयला स्पीड ब्रेकर, ये रंबल स्ट्रिप गाड़ी तोड़ना रहेगा। देहू रोड तक हम लोग आ गए थे और एक भाई की बाइक पंक्चर हो गई, तो बस वही पंक्चर निकालने के लिए सब लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। ये रहे अपने पोटैटो हेड और पीयूष भाई। तो पीयूष ने साथ में पंक्चर किट पूरा लेके आया था, तो आज हमें देखने को मिलेगा कि पंक्चर निकालते कैसे। मतलब मैंने तो बहुत बार देखा हुआ है, लेकिन आज प्रैक्टिकली उसको यूज़ करेंगे। और ये इन्फ्लेटर है, इन्फ्लेटर से हवा भरी जा रही है। तो ये काफ़ी यूज़फुल है लॉन्ग राइड्स के लिए। मैं भी प्लान करो इसको खरीदने के लिए, जैसे ये परचेस होगा अपन भी इसको राइड पे ले जाया करेंगे। फाइनली पंक्चर हो गया ठीक, एंड ऑल थैंक्स टू अपने पोटैटो हेड और पीयूष भाई, दोनों के वजह से अब 600 I का पंक्चर निकल गया। और ये उनके फ्रेंड्स भी यहाँ पे आए थे। तो चलो हम लोग अभी निकलते हैं घर के लिए। तो चलो यार, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, नए हो मेरे चैनल पे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना गाइस। टिल देन सी यू इन अनदर वीडियो, बाय।